नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल बी रोबोको में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट के बारे में। दोस्तों हमारे बहुत सारे साथियों का डाउट है कि शिक्षक भर्ती में क्या अपडेट है, नए आयोग का गठन कहाँ तक पहुँचा है, क्या सारी चीज़ें हैं, तो उसी के रिगार्डिंग सारी बातें कि एक न्यूज़ जो न्यूज़पेपर पर आ रही है उससे जुड़ी हुई जानकारी के बारे में हम आज आप पर बात करने वाले हैं। दोस्तों न्यूज़ पर आया हुआ है कि आयोग के गठन व मुख्यालय पर असमंजस, आंदोलन की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, पूरी बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि बेसिक से लेकर उच्च व तकनीकी शिक्षण संस्थानों की शिक्षक भर्तियां ठप होने से प्रतियोगियों में नाराजगी है। एडेड माध्यमिक विद्यालयों व एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन लिए जाने के बावजूद परीक्षा नहीं कराई गई। शिक्षक भर्ती के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित करने का निर्देश दिया है। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि एक नया आयोग बनने के लिए बोला गया है और जब तक वो आयोग नहीं बनेगा तब तक किसी भी प्रकार के शिक्षक भर्ती को नहीं संपादित किया जाएगा। लेकिन नए आयोग के गठन की प्रक्रिया में देरी से उन प्रतियोगियों के हाथ से अवसर निकलता जा रहा है जो ओवर एज के करीब है। तो कोरोना के समय में भी 2-3 साल का समय जा चुका है जिसमें कोई भर्ती वगैरह नहीं हुई और ऐसे में अब जो नया आयोग है वो बनने में लेट हो रहा है, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है। ऐसे में प्रतियोगी छात्र मंडल ने कहा है कि अगर आयोग जल्द गठित कर मुख्यालय प्रयागराज में नहीं बनाया गया तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। एडेड माध्यमिक विद्यालय में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT और प्रवक्ता संवर्ग PGT के 4,163 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने करीब 10 महीने पहले आवेदन लिया था। इसके लिए 12 लाख से अधिक प्रतियोगियों ने आवेदन किया है और उसके बाद से भर्ती परीक्षा तिथि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन चयन बोर्ड में सदस्य एवं चेयरमैन का पद रिक्त होने से चयन प्रक्रिया ठप है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की। आयोग ने करीब 10 महीने पहले एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन संख्या 51 के तहत आवेदन लिए थे। 90,000 से अधिक आवेदन आए लेकिन सदस्य की कमी से जरूरी कोरम के अभाव में प्रक्रिया ठप पड़ गई है। गठित हो रहे आयोग के विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 12 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है और अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई भी नई खबर नहीं आई है। आप चैनल के साथ जुड़े रहें, अगर कोई भी नई खबर आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।